ये वो जंक्शन है, एक सड़क जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, दूसरा रास्ता पेशावर मटर में है। हम इस वक्त कागान में मौजूद हैं और ये साथ रिवर कुनार दरिया से लेकर के ऊपर टॉप तक ये सारा हरा भरा इलाका है। ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। ये इलाका बहुत खूबसूरत है, यहाँ का पानी और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं और पीर मोहम्मद साहब, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी जल्दी हम नारान पहुंच जाएंगे। हमने अपनी स्पीड मेंटेन रखी, कहीं रुके नहीं। कैसा पाया इस इलाके को और इस हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से क्या कहते हैं? बड़ी खुशी हुई आपके साथ आके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ट्रेवल है बहुत बेहतरीन जा रहा है। हम तक पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि इनकी तरफ तवज्जो दे दें, और जिस तरह यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे लोग होटल्स बना रहे हैं, लोग कैंप्स बना रहे हैं, एसेट्रिक प्लान्स की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक एडेप्टेशन प्लान अप्रूव कर दी है, और उम्मीद हम करते हैं कि जितने भी नॉर्दर्न पार्ट्स है उस पर भी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्लेशियर रिसोर्सेज है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, नेचर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ फॉरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और यहाँ जो टूरिज़्म है जो प्लान किए थे सस्टेनेबल करने की ज़रूरत है। टूरिज़्म भी इम्पोर्टेंट है और साथ साथ हमारा नेचर की प्रोटेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। आपने पीर मोहम्मद साहब के तासरात सुने, एंट्री पॉइंट के ऊपर ये नारायण का एंट्री पॉइंट है। सस्टेनेबल जो टूरिज़्म है उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, मशरूम जो ग्रोथ है एक तरह से उसको देखने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर प्लानिंग और उसकी मनसूबंदी के तहत आगे चल के आपको एक और मुकाम से आपके साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर राफ्टर्स आते हैं, राफ्टिंग का एरिया है नारायण शहर से थोड़ा आगे निकल के, और ये बड़ी तादाद में सयाह आप देख सकते हैं सड़क किनारे मौजूद हैं। यहाँ पर वेंडर्स भी हैं, ठेले वाला भी हैं, और ये वॉल्स आइसक्रीम वाला भी यहाँ पहुँचा है, और फैमिलीज यहाँ पर इंजॉय कर रही हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। तो हम इस वक्त गिलगित जा रहे हैं, मैं और पीर मोहम्मद साहब। सुबह 8:15 निकले थे इस्लामाबाद से, और तकरीबन 6 घंटे लगे हमें नारायण पहुँचते हुए। गर्मियों में राफ्टिंग होती है, और ये देखें दरियाए कुनार बड़ा खूबसूरत, और नीचे राफ्टर्स भी इस वक्त जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। लोग इंटरटेन हो रहे हैं, लोग महसूस हो रहे हैं राफ्टिंग से। छोटे छोटे पैचेस हैं जहाँ पर रास्ता ख़राब है, ये ऑल वेदर इसको होना चाहिए, क्योंकि कोहिस्तान का रास्ता बहुत ही डिस्टर्ब रहता है। फ्रॉम नारायण टुवर्ड्स बाबूसर यहाँ पर फर्स्ट एड के मसाइल हैं, बाज़ अवकात नागानी वाक़ियात पेश आते हैं जिसके 22 लोग इंजर्ड होते हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं। तो फर्स्ट एड के लिए यहाँ पर हमें कोई ऐसी फैसिलिटी नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इधर पेट्रोल पंप्स नहीं है, एक पेट्रोल पंप है नारायण में, एक या दो होंगे। इस्लामाबाद की नस्बत मैंने एक चीज़ नोट की है, इस्लामाबाद में 252 रुपये का है, जबकि यहाँ पर हमने अभी टॉपअप करवाया है 260 रुपये का, जो कि 8 रुपये का फ़र्क है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम करते हैं, इस पर ऐड करते हैं। हमारे उल्टे हाथ पे मोटल्स होंगे PDDC के, तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन मनाजिर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हम टुवर्ड्स बाबूसर फ्रॉम नारायण। इस इलाके का मटर बहुत मशहूर है, इस्लामाबाद की मंडी में आता है तो हाथों हाथ बिकता है, उड़ा लेते हैं लोग। बहुत टेस्टी मटर यहाँ पर होता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर एक ऐसी तासीर है जिसके अंदर टेस्ट बहुत है। आलू और मटर यहाँ का बड़ा मशहूर है। रोड्स की मेंटेनेंस की बहुत अच्छी ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये मेक श्योर करा दे, एक तो यहाँ की प्राइसेस थोड़े बढ़े हुए हैं उस पर नज़र रखें, नेशनल पॉलिसी हो जो कि जिसको रिप्लिकेट करवाया जाए हर सूबे के अंदर, और सुबह से डिवीज़न से ज़िला से तहसील की सतह के ऊपर ये टूरिज़म पॉलिसी हो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। एक इंटीग्रेटेड, एक सस्टेनेबल पॉलिसी की ज़रूरत है, जिस तरह से पूरी दुनिया में टूरिज़्म को प्रमोट किया जाता है, टूरिज़्म से कमाया जाता है, तो पाकिस्तान भी एक सोने की चिड़िया इस हवाले से। आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट किया जो इस
सफ़र के दौरान मुसाफिरों को पेश आ जाते हैं। इंटीग्रेटेड और इकोसिस्टम को मलहूज नज़र रखते हुए इसकी प्रमोशन और इसकी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। अदरवाइज़ इसके जो खूबसूरती है और इसके जो नेचुरल ब्यूटी है वो ख़त्म होने के चांसेस हैं। साथ साथ यहाँ NHA के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बिल्कुल विजिलेंट होने चाहिए। यहाँ पे जगह जगह में पैचेस हमने देखा है बिल्कुल ब्रोकन है रोड्स के, उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, उनको फिल करने की ज़रूरत है। एक सस्टेनेबल मैकेनिज्म के तहत यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि इसके इकोनॉमी के साथ साथ इसका जो इकोसिस्टम और इसके इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यहाँ ट्रेवल करने के बाद। ये देखिए जी एवलांच, बिल्कुल एक सफ़ेद दीवार आप नज़र आएगी। तो जगह जगह जहाँ पर कच्ची बर्फ़ होती है वो स्लिप करके या स्लाइड करके नीचे आती है, उसको एवलांच कहते हैं। तो ये कच्ची बर्फ़ है और यहाँ के लोग तस्वीरें भी बनाते हैं, लेकिन ये थ्रू आउट जो है बाबूसर टॉप तक के ये मनाजिर होते हैं, यहाँ पर एवलांच बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा टनल भी है, लोग इसके अंदर जाके महसूस होते हैं, इंजॉय करते हैं। और ये पीर मोहम्मद साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पीर मोहम्मद साहब ये नज़र आ रहे हैं। हमने यहाँ एक छोटी सी ब्रेक ली है और थोड़ा रिलैक्स होना चाह रहे थे। अभी इंशाल्लाह अगले आधे घंटे के अंदर अंदर हम बाबा साहब टॉप पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद से टूवर्ड्स गिलगित बल्तिस्तान हम मूव करेंगे। अच्छा ये बताएं आपका नाम क्या है? अली नाम। अली ये बताएं कि आप कहाँ पर हैं और क्या देख रहे हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? यहाँ मैं नारायण का गान बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत व्यूज है। ये है वो टनल, इसके नीचे लोग चले जाते हैं और नीचे से पानी की रसाव भी हो रही है, बहुत खूबसूरत। और ये देखें यहाँ लोग इंटरटेन हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये दूसरी जानब छोटी पहाड़ियाँ हैं, चूँकि हम एलिवेशन की तरफ आए तो पहाड़ जो है ना हम सर कर रहे हैं, एक तरह से ये पहाड़ हम क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है, यहाँ देखें बर्फ़ के साथ लोग इंटरटेन हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बाबूसर टॉप की तरह रवा दवा है, टूरिस्ट का फ्लो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बाबूसर टॉप और इम्कान है कि मौसम बेहतर मिलेगा क्योंकि हमने जाना है आगे गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ हमने एक चीज़ नोट की है कि लोग ख्याल नहीं रखते, सीधे गाड़ी आपके मुँह के ऊपर लेकर आते हैं, अब आपने बचना होता है। इस चीज़ से बचने के लिए थोड़ी सी एहतियात करिए, जो भी ड्राइव कर रहे हैं इंजॉय करें अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगियों को मुश्किल में न डालें, एहतियात करें। और क्योंकि ज़िंदगी इंसान को एक ही मरतबा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। हमने इस तरह के इंसिडेंट देखे जहाँ पर लोगों की जानें भी गई, बड़ी तादाद में फैमिलीज आती हैं, उनको भी एहतियात से ड्राइव करने की ज़रूरत है ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल कोई करीब नहीं है और यहाँ पर कम्युनिकेशन का निज़ाम भी नहीं है। ख़ुद को मुश्किल में डालेंगे तो आपके साथ आगे पीछे सफ़र करने वाले लोग भी सफ़र होंगे। देखें ये इनकी तकरार आगे चल रही है, ये दो दोस्त आगे कोई आगे जाना चाह रहा है, कोई नहीं जाना चाह रहा है और अननेसेसरली गाड़ियाँ रोकते हैं, स्पीड में गाड़ी रोकी जाती है, उसका नुकसान तो पीछे से गाड़ी आकर टक्कर लगा सकती है। उस टक्कर से बचने के लिए कोशिश करें कि हम सब आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखें। यकीनन आपने सही कहा, एक दफ़ा मिलती है तो इसकी हिफाजत करना आप सबका फ़र्ज है और इस रोड पे बड़े मुहतात और बड़े केयरफुल होके लम्हा बलम्हा आप अपने ड्राइव को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमारा गुलामुद्दीन साहब ने बड़े आठ तरीके से एक ऐसे इंसिडेंट से बच गए, जो है कि हमारे सेल्फी भाई आके बिल्कुल रोड में छलांग लगा के सेल्फी लेने की कोशिश की और गुलामुद्दीन साहब ने बड़े मुहतात तरीके से बच बचाव करके आगे निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई, अल्लाह ताला ने करम किया। अदरवाइज़ उन्होंने अपने तरफ से सब कुछ हरकत की थी। तो लिहाजा मेरी गुजारिश हो कि ख़ासकर यंग जो हमारे भाई आते हैं मोटरसाइकिल पे आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, वो बड़े अच्छे अंदाज में आ जाए, भरपूर इंजॉय कर लें नेचर को और अपने सफ़र को, लेकिन अपनी जान का हिफाजत वो ज़रूर कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबूसर टॉप के बॉटम पे है। दिस गाइस हैव बीन फॉलोइंग अस एंड वी आर फॉलोइंग देम राइट नाउ। इज दिस DMR पुलिस? यस DMR। ही वाज द
a very professional journalist, but I knew that he is also a good driver too. साइड में आता है और हमें आंखें दिखा के निकल गए। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त बात है, बदमाशी का है। लग रहा है कि हमारे दियमर साइड से हमारे दोस्त ख्याल नहीं करते। बाबूसर टॉप, वो टॉप जिसका हम सबको इंतज़ार था। हम सुबह 7:45 इस्लामाबाद से चले थे, इस वक्त हम बाबूसर टॉप पर मौजूद हैं। 5 बज चुके हैं, हमने अपनी स्पीड मेंटेन रखी है, एहतियात से हमने ड्राइव की और यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे पुश पे देख सकते हैं बहुत खूबसूरत मीडोज़ हैं। बाबूसर टॉप के मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ और इस टॉप पर आकर हर कोई आदमी, हर बंदे की ख्वाहिश होती है जो नारायण कागान आते हैं वो बाबूसर टॉप लाजमी आते हैं। और इस ये बिल्कुल एलिवेशन है, यहाँ से फिर नीचे एसेंट करता है रास्ता और ये चिरास की तरफ ये रास्ता जाता है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम मौसीकी सुन रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान की चिरास की स्पेशल मौसीकी थी और लोग गानों से महसूस हो रहे थे। तो ये खूबसूरत मनाजिर है, यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। मेरे दाएँ जानेब भी और मेरे बाएँ जानेब भी लोग हैं और मेरे पीछे मेरे पुश्त पर वो खूबसूरत मीडोज़ हैं। गर्मियों में एक यहाँ पर इवेंट होता है, पोलो का मैच होता है। पोलो मैच में मुख्तलिफ टीमें हिस्सा लेती हैं इस इलाके की और यहाँ आकर लोग मुकाबला करते हैं और इससे ये बहुत ही एक एलिवेटेड एरिया जहाँ पर पोलो खेली जाती है। और नीचे जाएंगे, जाकर हम फिर एसेंड करेंगे आगे किसी मुकाम से, आप तमाम दोस्तों से मुखातिब। अब हम बाबूसर 0 पॉइंट से नीचे उतर रहे हैं, हम बिल्कुल टॉप पे हैं और टूरिस्ट का बहुत ही जमे गफीर है। यहाँ पे जा बजा टर्न्स पे ये लिखा हुआ है कि एहतियात से ड्राइविंग कर ले और साथ साथ ब्रेक की जगह में गियर का इस्तेमाल कर ले ताकि ब्रेक आपका गर्म ना हो। तो हमारे गुलाम मजीद साहब भी इस उसूल पे अमल दरामद करते हुए नीचे की तरफ उतर रहे हैं। इस इलाके में हमने देखा है जा बजा यहाँ पर कचरा फेंकते हैं लोग, चलती गाड़ी में से कचरा फेंकते हैं और जो कि नुकसानदेह अमल है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। हमने देखा है जहाँ जहाँ बोतले फेंक रहे हैं, जो चीज़ें खा रहे हैं रेपर बाहर फेंकते हैं, तो इससे तो हमारा माहौल तबाह हो सकता है। इस चीज़ को हमें देखने की जरूरत है, इस पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है और इस पर बल्कि जुर्माने आए दोनों की। तमाम स्टेक होल्डर्स को बराबर का रोल प्ले करना चाहिए, इसमें आपकी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ है वो, आपके मुसाफिर है वो, और साथ साथ जो लोकल ट्रेडर्स और लोकल कम्यूनिटीज़ हैं उनका भी ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ टूरिस्ट के लिए जो भी फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल कर दें, जिसमें पब्लिक टॉयलेट्स हैं। हमने देखा यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा अनचेक्ड है और अनरीजनेबल है। चमचमाती गाड़ियाँ, यहाँ टूरिस्ट भी हैं और यहाँ लोकल्स भी हैं। मैं एक दिलचस्प चीज़ आपको देखा, ये देखें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये इन्हीं लोगों का फेंका हुआ, ये है कचरा और ये देखें कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। रेपर्स देखें, ये रेपर्स देखें और हम अपने माहौल को तबाह कर रहे हैं। ये यहाँ के लोगों ने नहीं फेंके, बल्कि यहाँ जो आते हैं, जो बाइंग करते हैं, जो यहाँ पर आके परचेजिंग करते हैं, वो चाहे, मेरे हाथ में भी रेपर है, मैं इसको अपनी गाड़ी में रखूँगा और मैं एक सही ऐसी जगह फेंकूँगा इसको कि इसकी प्रॉपर डिस्पोजल हो, ये माहौल को तबाह ना करें। आप बताएं, आप यहाँ गाड़ियों को रोक के, वालेकुम सलाम, आप बताएं गाड़ियों को रोक के आप चेक कर रहे होते हैं, टायर्स को चेक कर रहे होते हैं, आप टूरिज्म पुलिस से आपका ताल्लुक है? नहीं, हम एक मोटरी पुलिस घूमी रजाकार किस्मतकार बबसर टॉप से रहकर 0 पॉइंट तक हम 72 बंदा खड़ा है। कोई गाड़ी का ब्रेक गर्म होगा, एक्सीडेंट होगा और कोई मसाइल होगा, इस वजह से हम कोई भी गाड़ी देखते हैं इधर, कोई किसका ब्रेक गर्म है वो रोकता है, उसका किसी का ठंड है वो बेचता है।
कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन है। हाँ, फिर हम गांव के लिए, अपना इलाका की तरक्की के लिए, कोई इलाका के लिए हम डिप्टी कर रहे हैं। बड़ी बात है। तो आप लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं कि यहाँ कचरा ना फेंके, बोतलें ना फेंके? जी जी, हम के लिए कोई टुकड़ी देते हैं, वो तो साथ में है, कोई गंदगी लगा हुआ है। हाँ, उधर लगा है, और कोई आता है टूरिस्ट वाला, वो किधर भी फेंकता है। तो कोई सामान हम को दिया, हम कोई जगह में ला के सेफ करेंगे, तो किधर भी फेंकता है, तो इस वजह से थोड़ा कचरा ज़्यादा होता है। चलो, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ के रजाकार हैं, यहाँ के खिदमतगार हैं, आपका शुक्रिया, और आप लोगों को चाहिए कि आपसे ताउन करें। बहुत शुक्रिया आप जी। तो दोस्तों, हम इस वक्त एसेंड कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं चलास की तरफ। तकरीबन 27 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से चलास जीरो पॉइंट तक, और ये मजमू तौर पर 32 किलोमीटर है बाबूसर टॉप से लेकर चलास तक का। तो ये काफ़ी, ये रास्ते जो है, ये जिग जैग जो है बड़े ख़तरनाक होते हैं, तो हमने थोड़ी सी रेस्ट दी है गाड़ी को कि जो ब्रेक शू है वो जल ना जाए, आगे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर पुलिस भी बड़ी विजिलेंट है इस हवाले से, पुलिस भी गाड़ियाँ रोक कर चेक करती है और इंस्ट्रक्शन देती है कि थोड़ी देर 5 मिनट आप रुकें ताकि आपके जो ब्रेक शू है वो जले ना। तो आप सब एहतियात करें क्योंकि ये काफ़ी रास्ता ख़तरनाक है। आल्दो की बहुत खूबसूरत जगह है और ये बहुत खूबसूरत डीप वैली है, और इस वैली के रिहायशी या आपको आर पार नज़र आ रहे होंगे, यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे ठिए हैं, मुख्तलिफ तरह के कारोबार में यहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं, और ये इलाका तकरीबन साल में 4 से 5 माह बंद रहता है, और बाकी बंदा जो महीने हैं उनमें ये इलाका खुलता है। तो यहाँ बड़ी तादाद में डाउन से टूरिस्ट आते हैं, पूरे पाकिस्तान से, गवादर से लेकर के इस्लामाबाद तक, और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के लाहौर तक के लोग इस इलाके का रुख करते हैं। कि आप कोशिश करें कि अपनी लाइन लें, अपनी सीध में चलें, अगर आप ओवरटेक करें तो आगे पीछे गाड़ियां देखें, उसके बाद ओवरटेक करें, क्योंकि इससे बड़े मसाइल का सामना रह सकता है। तो अपनी हिफाजत आप खुद करें, क्योंकि यहां पर दूर पार तक यहां कोई फ़र्स्ट एड का निज़ाम नहीं है। नीचे नारान से लेकर के बाबूसर तक कोई फ़र्स्ट एड का निज़ाम नहीं है, और यहाँ पर कम्युनिकेशन के भी मसाइल हैं, यहाँ कोई सेलुलर नेटवर्क नहीं है। यहाँ मैंने देखा है जा बजा लोग कचरा फेंकते हैं, हाई फाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में 18-18 मिनट की चमचमाती गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों में से बोतलें फेंकते हैं, रेपर्स फेंकते हैं। ये हमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा इलाका है, हमारी सरजमीन है, इस सरजमीन को महफूज बनाना हमारा काम है। अगर हम इस सरजमीन को महफूज नहीं बनाएंगे तो कोई और बाहर से आके इसको ठीक नहीं करेगा। जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ कचरा फेंकते हैं, वो यहाँ बोतलें फेंकते हैं, और ये एहतियात हमें करने की ज़रूरत है। हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास इल्म भी है, लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, वो शऊर नहीं है, वो अक़ल नहीं है कि हम अपने माहौल को तबाह करते हैं। इस माहौल को बचाना, इस माहौल की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, और आने वाली नस्लें हमें गालियाँ देंगी अगर हम इस माहौल को नहीं बचाएँगे। इस इलाके की खूबसूरती, यहाँ के पहाड़, यहाँ के दरख्त और यहाँ की हरियाली, अगर इसको महफूज नहीं बनाएंगे कोई और हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा इस इलाके को महफूज बनाने के लिए। तो जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कचरा ना फेंकें। कचरा फेंकेंगे तो ये इलाका, यहाँ पर आलूदगी होगी उसके नतीजे में, और ये इलाका तबाह होगा, फिर हम भी नहीं रहेंगे, ये इलाका भी नहीं रहेगा। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने माहौल की हिफाजत करें, और यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो बोतल ना फेंकें, गाड़ी लाइन में चलाएँ, ओवरटेक करने से गुरेज करें। यहाँ पर 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दोनों 5th क्लास के हैं और एक क्लास 3rd में यानी ग्रेड 3 में पढ़ रहा है। आप, आपका नाम क्या है? मोहम्मद समीम। कौन सी क्लास में हो? 5वीं। 5वीं में क्या पढ़ते हो? उर्दू, इस्लामिया, साइंस, रियाजी, मैथ, मशरकी। और इंग्लिश? मैथ। इंग्लिश पढ़ाते हैं? आप बताओ यार, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामिया, मशरकी। What is your name? आपका नाम क्या है? गुड। आपका क्या नाम है? अजहर महमूद। प्यारा नाम है। कौन सी क्लास में हो? तीसरी। तीसरी में हो? जी। तो कैसा लगता है स्कूल? अच्छा। अच्छा लगता है? जी। सबसे आपका पसंदीदा टीचर कौन है, नाम क्या है? आशिया। आशिया अच्छा पढ़ाती हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? वो इंग्लिश। ये चलास शहर में होते हैं ये तीनों बच्चे, और ये तालीम हासिल कर रहे हैं। आजकल छुट्टियां हैं तो ये एंजॉय कर रहे हैं, इस वक्त बाबूसर के एरिया में हैं। दोस्तों, हम अभी पहुंचे हैं राय
हाईकोर्ट वाली साइड के ऊपर, ये तत्तापानी का एक पेच है, इसकी डाइवर्जन की ज़रूरत है। तकरीबन आज से कोई साल पहले दूसरी जानब यानी रायकोट ब्रिज से उस तरफ गौराबाद की तरफ को जो रास्ता जाता है पुराना, उस सड़क को बनाने के लिए उसका टेंडर भी हुआ, उसका सब कुछ, उस पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन अभी तक वो नहीं बन सकी वो सड़क। और ये सड़क है जिस पर अभी इस वक्त हम मौजूद हैं, ये एक ज़माने से जब से हमें याद है यहाँ पर स्लाइडिंग होती है। ये पूरा पहाड़ सल्फर का पहाड़ है, जब भी बारिश होती है तो सल्फर बस्त कर जाते हैं। तो ये हालात है यहाँ पर, ये बहुत जुल्म की बात है। यहाँ इस सड़क के ऊपर बड़ी जानें चली गई हैं, माली जानी नुकसान हुए हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है, मुझे मेरी समझ से बाहर है कौन से पागल इंजीनियर ने इस सड़क की मंजूरी दी और यहाँ से ये सड़क एक ज़माने से चल रही है। इससे हुकूमत का जो एक्सचेकर है, जो पब्लिक फंड है, उस पर भी बहुत बड़ा बोझ है। आए दिन ये सड़क टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ ये एक फॉल्ट लाइन भी है अर्थक्वेक के हवाले से, सिस्मिक फॉल्ट लाइन भी है इस एरिए की। तो यहाँ पर इस एरिए को खाम खाम है, लोगों की जानों को जो है ना दाव पे लगाया हुआ है। छोटी बड़ी गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है। हुकूमत को NHA को वार फूटिंग्स पे एक डाइवर्जन देनी चाहिए दूसरी जानब से। ये किसी तरीके से फिजिबल प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी वजह यही है कि एक तो स्लाइडिंग का ख़तरा है, दूसरा ये सल्फर का पहाड़ है, नीचे से इसका पानी चश्मे निकल रहे हैं, और किसी भी तरीके से इस पे मेटल रोड या सीमेंटेड रोड कामयाब नहीं है, सस्टेन नहीं कर सकती है। डिस्पाइट डिमांड्स बाय द पीपल, गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा रही है। लास्ट ईयर इसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमली काम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। फैमिलीज आती है, मरीज़ आते हैं, ख़तरे से दो चार है, लिहाजा हुकूमत वक्त को इस प्रोजेक्ट को बहुत सीरियस लेना चाहिए और बिल्कुल वार फुटिंग पे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि एक बेहतरीन रोड मैसर आ जाए।